हेलो गाइस, नॉलेज प्रोवाइडर चैनल से मैं अनुराग झा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का चौथा चैप्टर लिंग। ठीक है, इससे भी जो कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। और ये जो है 100 मार्क्स और 50 मार्क्स दोनों हिंदी दोनों जो है दोनों सब्जेक्ट में आते हैं आपके। ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग लास्ट में जो है वीडियो के ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे चीज़ जिससे आपको जो है किसी भी शब्द का लिंग पहचानने में जो है आसानी हो, ऐसे टिप्स भी मैं दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों, एक चीज़ और कि लिंग पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है, तो 3 चैप्टर मैंने पीछे बताया है, संज्ञा हो गया, भाषा हो गया और वर्ण हो गया। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं मैं आपको बता चुका हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो मैं इस वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस, देखते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको देखते देखिए कम से कम इतनी बात तो आपको पता होनी ही चाहिए कि ये सारे शब्द किस लिंग से आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे रहा है कि आगामी प्रश्नों में 1 से 10 के विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। कौन सा शब्द है पुल्लिंग शब्द जो है उसका चयन करना है। तो देखिए, पहला में जो है दे रहा है आपका सूची, दावत, किताब और कुर्सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सूची पत्र क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन आपका चर्चा, आत्मजा, मंत्रिमंडल और घुड़दौड़। तो यहाँ पे जो है मंत्रिमंडल पुल्लिंग शब्द है, याद रखिए सरकार स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल पुल्लिंग शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपका दे रहा है पहिया, कथा, गोद और खाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये हो जाएगा, पहिया क्या है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए आपका उपेक्षा, इज्जत, सॉरी माफ की इजाजत और प्रलाप और ईट। ठीक है, तो यहाँ जो है प्रलाप क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोपहर, रात्रि, शोक और बदली। तो यहाँ पे शोक क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कटुता, उलझन, खड़ाऊं और विस्फोट। खड़ाऊं पता है ना दोस्तों, जो लकड़ी के बने हुए चप्पल होते हैं, ठीक है, जिनको ऋषि मुनि लोग धारण करते हैं उनको खड़ाऊं बोला जाता है। और यहाँ पे जो है आपका पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, विस्फोट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उधेड़बुन, चौखट, अनबन और जुकाम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुकाम जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बरसात, वृतांत, मनोहर और लिखावट। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या है, वृतांत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तरबूज, कौम, कोख और घिरना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तरबूज क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका रंगत, चाल ढाल, चुनौती और प्रसव। तो यहाँ पर प्रसव क्या हो जाएगा, प्रसव पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट देखिए अब दे रहा आगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, क्योंकि अपने लिए वही मोटिवेशन होती है कि आप लोग कि और भी जो है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज ला सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करिए। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, सेना। ठीक है, संकल्प, विराम, परिवहन और सेना। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द सेना। ठीक है, सेना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए सौभाग्य, क्रोध, मृत्यु और संस्करण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, मृत्यु। मृत्यु क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए निबंध, विधान, नागरिकता और बहुमत। ठीक है, तो बहुमत यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नागरिकता क्या हो जाएगा, बहुमत तो पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नागरिकता क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका चोर, अहिंसा, गौरव और चुंबन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अहिंसा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अकाल, तलवार, आश्रम और आसन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तलवार क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट देखिए परिणाम, सागर, मार्ग और योग्यता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका योग्यता क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट देखिए व्याख्यान, समाज, व्याख्या और विभाग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्याख्या क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट देखिए निमंत्रण, शताब्दी, राष्ट्र और उपन्यास। तो यहाँ पे आपका सही स्त्रीलिंग शब्द क्या है, शताब्दी। शताब्दी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। चलिए नेक्स्ट देखिए मर्यादा, गजट और गिलाफ, कल्याण। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मर्यादा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। लड़कियों के लिए ही जो ज़्यादा बोला जाता है ना कि आप मर्यादा में रहिए, गेट से बाहर मत निकलिए, है ना, तो मर्यादा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट देखिए कफन, इलाज, गड़बड़ और उत्साह। तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, लड़कियाँ ज़्यादा गड़बड़ करती हैं, माफ़ कीजिए।
नेक्स्ट है, आगामी शब्दों में कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द नहीं है तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे इसकी जान लीजिए कि हिंदी व्याकरण के अंदर तीन जेंडर होते हैं, तीन लिंग होते हैं, कौन कौन? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग, तो ये तीन चीज, तीन जेंडर्स होते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा पुल्लिंग नहीं है, इसका मतलब क्या, पुल्लिंग शब्द को छोड़ के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नपुंसक लिंग को हमको पहचानना है कि कौन सा है। चलिए यहाँ पे दे रहा है ठेस, तिलक, पदार्थ और दंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठेस। ठीक है, ठेस क्या है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखिए, संचार, फुलवारी, हरकंप और निगम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है, फुलवारी। ठीक है, फुलवारी स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए, शैशव, मंत्रण, मंत्रणा, संयोजन और सिंह, तो यहाँ पे मंत्रणा क्या है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पताल, रेगिस्तान, पर्वत और झील, तो यहाँ पे आपका झील क्या है, झील तो आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लश्कर, बजट, सनी और रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिपोर्ट क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, नियम, बबूल, विलंब और गर्दन, तो यहाँ पे आपका गर्दन क्या है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, गर्दन स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए, तौलिया, संदेह, खीर, वैराग्य, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, खीर। ठीक है, खीर जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है, खीर स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए, कस्तूरी, फाटक, बंडल और सुराग, ठीक है, तो यहाँ पे कस्तूरी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये पुल्लिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मक्का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं है, ये नपुंसक लिंग में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मक्का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बंदरगाह, दही, प्रदर्शनी और ताला, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, प्रदर्शनी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कौन इसमें से स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या चयन करना है कि कौन सा पुल्लिंग और नपुंसक लिंग नहीं है, मतलब है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें है क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिया, मांग, भभूत और मेहनत, तो यहाँ पे मांग क्या है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, और चैनल को शेयर करो, क्योंकि मेरा ये जो है नया चैनल है आप लोगों के लिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। ऑब्जेक्टिव के बाद मैंने तो वादा किया है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है कि पिस्तौल, कीड़ा, मोती और मशीन, तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोती। ठीक है, मोती स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये क्या है, नपुंसक लिंग है। नेक्स्ट देखिए, अपील, हमला, आपदा और दुविधा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमला। नेक्स्ट देखिए, गागर, चट्टान, गणना और टिकट, ठीक है, तो यहाँ पे चट्टान क्या हो जाएगा, चट्टान तो नपुंसक लिंग होता है शायद, हाँ ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान, रकम, मुस्कान और चेचक, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, संविधान। ठीक है, संविधान स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए, इज्जत, कटिबंध, औलाद और उपेक्षा, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कटिबंध। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कसक, अवस्था, कतार और कंबल, तो कंबल क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, ये जो है नपुंसक लिंग में आता है। नेक्स्ट देखिए, झुरमुट, माफ़ कीजिए, पुल्लिंग शब्द है कंबल। ठीक है, उसके बाद जो है झुरमुट, अंत्योष्टि और इच्छा उपासना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, झुरमुट। ठीक है, उसके बाद क्या है, गिलहरी, गनीमत, घाट और खुशामद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घाट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, तो कक्षा, उपहास, खटपट और खुदाई, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपहास। और दोस्तों एक चीज़ और मैंने बताया, ठीक है, कुछ चीज़ें देखिए, ज़्यादा तो नहीं पर 100 में से, ठीक है, ये जो है आपका 70 क्वेश्चंस पर जो है लागू होगा। ठीक है, ये ट्रिक, तो ट्रिक क्या है, एक चीज जान लीजिए, जिसमें भी ताकत का बोध हो, ठीक है, ताकत, उसके बाद क्या है, रक्षा, ठीक है, ये सब जो है बल, इस सब का जो है जिसमें लगे कि ये सब चीज़ें इस शब्द से झलक रही हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी, पुलिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द के लिए क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग शब्द के लिए क्या है कि वैसी चीज़ें जो सुंदर हों, ठीक है, सुंदर हो या जिससे आकर्षण दिखता हो, ठीक है, आकर्षण दिखता हो,
उससे क्या हो जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द के अंदर आ जाएंगी, और जिससे भाव स्पष्ट ना हो, ठीक है, वैसे चीज़ जो स्पष्ट ना हो उससे जो है आपका नपुंसक लिंग का जो है झलक आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखना ही पड़ता है, इस पर ट्रिक ये काम ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन इसको देखना पड़ता है। लेकिन वो दोनों जो है आपको 100 में से 70 सवाल जो है उस तरह के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जब याद ना हो तो ये ट्रिक यूज़ कीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।